हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग इंसाइक्लोपीडिया टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ये हमारे EMRS और UGC नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि एक रेफरेंस बुक जिसमें क्या हो कि समरी हो सारे नॉलेजेस के, सारे स्पेसिफिक सारे फील्ड्स के। ये जो वर्ड है ये कौन से कहाँ से आया है, तो ये एक टाइप का ग्रीक वर्ड से ये इंसाइक्लोपीडिया वर्ड बना है। ये हमारे कौन से सोर्स के अंतर्गत आता है, हम लोग को पता है तीन टाइप के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया हमारे अरिस्टोटल हैं। और मॉडर्न सेंस में इस टर्म को किस साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया गया था, तो वो थे जॉनन हेनरिच अल्स्टेड। अब देखिए, इंसाइक्लोपीडिया के तीन टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, जनरल इंसाइक्लोपीडिया एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और हर एक टॉपिक को इसमें क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि जब कोई इंसाइक्लोपीडिया किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या करे, ओनली आपको नॉलेज दे, डिटेल नॉलेज दे, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया। जब कोई इंसाइक्लोपीडिया किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उसको हम लोग साइक्लोपीडियाज भी बोलते हैं। तो याद रखना है हम लोग को कि सबसे पहले चार पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि इंसाइक्लोपीडिया जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ये सेकेंडरी सोर्सेज है। फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया हमारे अरिस्टोटल हैं और मॉडर्न सेंस में इस टर्म को यूज़ किया है जॉनन हेनरिच अल्स्टेड ने। इंसाइक्लोपीडिया दो टाइप का होता है, जनरल एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया। जनरल में सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर किया जाता है। जनरल इंसाइक्लोपीडिया का एग्जांपल होता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, ये याद रखना है। फिर स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया के एग्जांपल में आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड MC ग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, उसके दोनों टाइप्स, और जनरल इंसाइक्लोपीडिया का एग्जाम्पल, स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया का एग्जाम्पल्स। ओके, अब देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में चार एडिशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट एडिशन आपका आया है 1968 से 2003 में। इसको एडिट किया है एलन कांट ने, कहाँ, न्यूयॉर्क, और पब्लिशर कौन थे, तो मार्सल डेकर। सेकेंड एडिशन आपका 2003 में आया है, इसको एडिट किया है मरियम ए ड्रैक ने, प्लेस कौन सी है, तो न्यूयॉर्क, पब्लिशर कौन है, मार्सल डेकर। थर्ड एडिशन आपका 2010 में आया है, जिसको एडिट किया है मार्सिया जे बेट्स ने एंड मैरी नील्स मैक ने, पब्लिशर कौन है, CRC प्रेस। फोर्थ एडिशन आया है आपका, एडिट किया है किसने, जॉन डी मैकडोनल्ड एंड माइकल लेविनी क्लर्क, एंड इसके पब्लिशर कौन है, तो CRC प्रेस। तो इसमें आपको इसके चारों, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एंड फोर्थ एडिशन के एडिटर, पब्लिशर और प्लेस का नाम याद रखना है, और फर्स्ट एडिशन कब आया है उसका बस आपको डेट याद रखना है। फिर आता है MC ग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके पब्लिशर कौन है, तो MC ग्रॉ हिल कंपनी, और इसका जो है फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया है, तो 1960 में। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंसाइक्लोपीडिया के एग्जाम्पल्स को डिटेल वाइज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के बारे में। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है जनरल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर अमेरिका से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसके कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जितना सारा कुछ है, अमेरिका की हिस्ट्री, सारा कुछ अमेरिका से रिलेटेड आपको इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में मिलेगा। इसका जो है पब्लिकेशन कब से, फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। और इसका जो मोस्ट रिसेंट एडिशन आया है वो कब आया है, तो 2006 में। इसके जो फर्स्ट इनिशियल एडिटर कौन थे, तो फ्रांसिस लीबर, ये याद रखना है।
इसके अंतर्गत जो वॉल्यूम्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं और क्या आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एडिशन जो है आपका 1829 से 1833 के बीच में आया है, इसको याद रखना है इसका डेट। उसके बाद इसको एडिट किसने किया है, तो फ्रांसिस लीबर ने, यह एडिटर का नाम याद रखना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम्स याद रखने हैं, फिर ईयर याद नहीं रखना है, बस फर्स्ट एडिशन का ईयर याद रखना है। तो फर्स्ट एडिशन 1829 से 1833 के बीच में आया, और ये जब स्टार्टिंग में आया तो कितने वॉल्यूम्स में आया, 13 वॉल्यूम्स में, ये भी याद रखना। और एडिटर कौन थे, तो फ्रांसिस लीबर। सेवेंथ एडिशन आपका 1899 से 1903 के बीच में आया, और ये 16 वॉल्यूम्स में आया। इलेवेंथ एडिशन 1911 में आया, ये 20 वॉल्यूम्स में आया। ट्वेल्थ एडिशन 1929 में, ये 30 वॉल्यूम्स में। फोर्टीनथ एडिशन आपका 1945 से 1951 के बीच में आया, जो 30 वॉल्यूम्स में आया। फिफ्टीनथ एडिशन 1986 में आया, जो 30 वॉल्यूम्स में आया। 2006 वाला जो एडिशन था वो 30 वॉल्यूम्स में आया, और इसका ऑनलाइन वर्जन कब से स्टार्ट हो गया पब्लिश होना, तो 1996 में। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, ये एक टाइप की वेल नोन जनरल इंसाइक्लोपीडिया है, जो कि आपको हर एक चीज़ों से रिलेटेड क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। हर इसमें सारा हर जगह का क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, वो कब से स्टार्ट हो गया था, 1768 से 1771 के बीच में, और कहाँ से हुआ था, तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। इस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को प्रिंट, डिजिटल एंड ऑनलाइन वर्जन तीनों में लाया गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो एडिशंस हैं, फर्स्ट एडिशन 1768 से 1771 के बीच में आया। फर्स्ट एडिशन का आपको ईयर याद रखना है। अब पहला बार जो एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन, ये कितने वॉल्यूम्स में आया था, तो 3 वॉल्यूम्स में, ये भी याद रखना है। थर्ड एडिशन 1788 से 1797 के बीच में आया, और ये 18 वॉल्यूम्स में आया। नाइन्थ एडिशन 1875 से 1889 के बीच में आया, और ये 24 वॉल्यूम्स में। इलेवेंथ एडिशन 1910 से 1911 के बीच में आया, और ये 29 वॉल्यूम्स में। इंसाइक्लोपीडिया फिर का इसका जो 14th एडिशन है, वो 1929 से 1933 के बीच में आया, ये 24 वॉल्यूम्स में। 15th एडिशन 1974 से 1985 के बीच में आया, और ये 32 वॉल्यूम्स में आया। ऑनलाइन एडिशन 1994 से स्टार्ट हो गया, और अभी तक क्या चल रहा है, इसका ऑनलाइन एडिशन चल रहा है। फिर देखिए 9th और इसका जो 11th एडिशन है, उसको स्कॉलर एडिशन बोला जाता है। अब देखिए जो 15th एडिशन था, जो 1974 में आया, उसको इसका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, उसको पब्लिश किया है बैंटन फाउंडेशन ने। ये कितने वॉल्यूम्स में आया, तो 30 वॉल्यूम्स में, जिसमें तीन पार्ट थे, प्रोपेडिया, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया। प्रोपेडिया जो है एक वॉल्यूम में आया, माइक्रोपीडिया 10 वॉल्यूम में, और मैक्रोपीडिया 19 वॉल्यूम में। अब देखिए प्रोपेडिया का मतलब होता है, ये आपको जो भी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर में जो नॉलेज दिया, उसका एक आपको ऊपर से एक क्या देता है, सेट बताता है, आउटलाइन ऑफ नॉलेज देता है। मतलब आपको सिस्टमैटिक एक माइक्रोपीडिया के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स है, उसका एक सिस्टमैटिक शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन देता है। माइक्रोपीडिया क्या करता है, आपको ब्रीफ रेडी रेफरेंस देता है, कि डिटेल्ड क्या करता है, जितना भी माइक्रोपीडिया के अंतर्गत आर्टिकल कर देता है एक थोड़ा सा में। और मैक्रोपीडिया क्या होता है, जिनको रिसर्च वगैरह करना है, जिनको डेप्थ में लेंदी टाइप से आर्टिकल्स को पढ़ना है, पूरा डेप्थ से पूरा नॉलेज उनको गेन करना है, तो वो क्या करेंगे, मैक्रोपीडिया को स्टडी करेंगे। तो प्रोपेडिया में क्या होता है, आउटलाइन ऑफ नॉलेज होता है, माइक्रोपीडिया में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि रेडी रेफरेंस के तौर पर वर्क करता है, और मैक्रोपीडिया क्या करता है, आपको डेप्थ में नॉलेज प्रदान करता है। अब देखिए 15th एडिशन आपका कब आया था, तो 1974 में, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। लेकिन इसका 15th एडिशन का रिवाइज्ड एडिशन कब आया, 1985 में। उसमें पहले जो 15th एडिशन आया वो 30 वॉल्यूम्स में आया, लेकिन जो रिवाइज्ड एडिशन था वो 32 वॉल्यूम्स में आया, जिसमें आपका माइक्रोपीडिया 12 वॉल्यूम्स में, मैक्रोपीडिया 17 वॉल्यूम्स में, प्रोपेडिया 1 वॉल्यूम और इंडेक्स 2 वॉल्यूम्स में आया, जिसके पब्लिशर कौन थे, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, शिकागो, USA।
अब देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और ये भी क्या है, एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया है, जो कि स्टार्टिंग में पब्लिश कब से होना शुरू हुआ, तो 1917 से, और उसके बाद 1970 से 1978 तक पब्लिश हुआ, और किसके द्वारा, तो हैंसन रोच हॉलर कंपनी के द्वारा। और जब ये स्टार्टिंग में, जब इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2019 में आया, जो कि 14,000 पेजेस के अंतर्गत में आया, जो कि 22 वॉल्यूम्स में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये है इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया के बारे में समझा कि इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है, ये कौन से वर्ड से आया है, तो ग्रीक। कौन सा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, तो सेकेंडरी। फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कौन है, तो अरिस्टोटल। मॉडर्न सेंस में इस टर्म को, इंसाइक्लोपीडिया टर्म को किसने यूज़ किया। इसके कितने टाइप हैं, तो दो टाइप हैं। जनरल इंसाइक्लोपीडिया के क्या क्या एग्जाम्पल है, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया। सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया का क्या एग्जाम्पल है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एम सी ग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। साइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के चार एडिशन है, चारों एडिशन के आपको में से फर्स्ट एडिशन का आपको डेट याद, ईयर याद रखना है, किस और चारों एडिशन का एडिटर, प्लेस, पब्लिशर याद रखना है। उसके बाद एम सी ग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया के पब्लिशर कौन है और फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है, फिर इसका जो है सबसे फर्स्ट एडिशन कब आया था, उसका ईयर याद रखना है 1829 से 1833 तक, एंड इसको एडिट किसने किया था, तो फ्रांसिस लीबर ने। उसके बाद इसका ऑनलाइन वर्जन कब से स्टार्ट हुआ है वो भी याद रखना है, 1996 से। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में समझना है, तो ये कब आया था, ये एक टाइप का, किस टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है, तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया। फर्स्ट एडिशन कब से स्टार्ट हुआ था, 1768 से 1771 तक में, कहाँ से, तो इस डेनबर्ग स्कॉटलैंड। और इसका फर्स्ट एडिशन कब आया है ये याद रखना है। उसके बाद इसके 9th और 11th एडिशन को क्या कहा जाता है, 15th एडिशन कब आया है और किसके द्वारा पब्लिश किया गया, कितने वॉल्यूम्स में, कितने पार्ट्स में, और तीनों पार्ट में क्या दिया बताया, क्या क्या बताया जाता है, प्रोपेडिया में क्या बताया जाता है, माइक्रोपीडिया में क्या बताया जाता है और मैक्रोपीडिया में। तो प्रोपेडिया आउटलाइन ऑफ नॉलेज है, माइक्रो इंडेक्स ऑफ नॉलेज है, और मैक्रो क्या है, डिटेल ऑफ नॉलेज। उसके बाद 15th एडिशन का रिवाइज्ड एडिशन कब आया, कितने वॉल्यूम में आया और इसको पब्लिश किसने किया और कहाँ से। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया किस टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है, कब आया, तो 1917 से 1978 में, और इसको पब्लिश किसने किया और इसका लेटेस्ट एडिशन कब आया, कितने पेजेस में आया और कितने वॉल्यूम्स में आया, और इसको पब्लिश कौन करता है, तो USA। इतना बात, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द टर्म इंसाइक्लोपीडिया इन द मॉडर्न सेंस, जॉन एंड हेनरिच एल्स्टेड, अरिस्टोटल एंड प्लेटो, जॉन हैरिस एंड पिलानी। तो इंसाइक्लोपीडिया टर्म को मॉडर्न सेंस में किसने यूज़ किया है, तो जॉन एंड हेनरिच एल्स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है, जॉन हेनरिच, अरिस्टोटल, जॉन हैरिस, प्लेटो। तो किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल। हु सेड दैट इंसाइक्लोपीडिया इज बैकबोन ऑफ रेफरेंस कलेक्शन इन द लाइब्रेरी, किसने कहा है, तो CM विंचेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, एम सी ग्रो हिल, मार्कसेल डेकर, मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो मार्कल डेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड फ्रॉम, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है कहाँ से पब्लिश होता है, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Encyclopedia Britannica first published? कब Encyclopedia Britannica सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था, तो कब हुआ था, 1768 से 1771 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश फ्रॉम लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से पब्लिश होता है, तो वो है शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जनरल, स्पेशलाइज, सब्जेक्ट, नेशनल। तो क्या है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, किस टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये है आपका एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का एग्जाम्पल है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया? जनरल, सब्जेक्ट, यूनिवर्सल एंड चिल्ड्रन। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? जनरल इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो किस टाइप का सोर्स है? सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना वॉज पब्लिश्ड इन 1829, 1817, 1767, 1771। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब आया है? तो 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका आर ऑफन साइटेड एज एग्जांपल्स फॉर देयर स्कॉलरली आर्टिकल्स? 8th and 9th, 9th and 10th, 8th and 10th, 9th and 11th। तो क्या है इसका स्कॉलर एडिशन? 9th and 11th editions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका सीज्ड इट्स प्रिंट पब्लिकेशन इन द ईयर 2012, 2018, 2010, 2009। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका इस अपना प्रिंट पब्लिकेशन कब से बंद कर चुका है? तो 2012। हु इज द पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना? मार्केल डाइकर, ग्रॉलियर, एमसी ग्रॉहिल या क्वेलर्स? तो देखिए, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के पब्लिशर कौन है? तो वो है ग्रॉलियर। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है सबसे पहली बार 30 volumes में आया 1976 में, किसके द्वारा? तो ग्रॉलियर, न्यूयॉर्क। हु इज द करंट पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना? तो मार्केल डाइकर, ग्रॉलियर, एमसी ग्रॉहिल या स्कॉलेस्टिक? तो करंट पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के कौन है? तो वो है स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक कॉरपोरेशन ने ग्रॉलियर को एक्वायर कर लिया था कब? तो 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रिंट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना वॉज रिलीज्ड इन 2000, 2005, 2006, 2012। फाइनल प्रिंट एडिशन जो है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का कब रिलीज हुआ था? तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग ईयर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, साइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1829, एमसी ग्रॉहिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1968, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1768। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका जो है आपका 1768 में आया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1968, एमसी ग्रॉहिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1960, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829। तो ये आपको ईयर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion और रीजन वाला है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है। assertion है, इंसाइक्लोपीडिया आर नॉट रेलिवेंट फॉर फाइंडिंग ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। रीजन है, इंसाइक्लोपीडिया आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। पहला assertion में बोला गया है कि इंसाइक्लोपीडिया है रेलिवेंट नहीं है हर जगह का क्या ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड इंसाइक्लोपीडिया जो है सब्स्टिट्यूट है सारे रेफरेंस सोर्सेज का। तो सही बात है, इंसाइक्लोपीडिया से आप ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। और ये जो है सेकंड जो रीज़न है, इंसाइक्लोपीडिया सब्स्टिट्यूट है सारे रेफरेंस सोर्सेज का, तो ये सही है। तो बोथ ए एंड आर क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि हु इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय? आर आर बोकर, मार्केल डाइकर, एंड्रू ड्यूच या एच डब्ल्यू विल्सन? तो इसका आंसर क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को कौन पब्लिश करता है? तो वो है मार्सेल डाइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, एमसी ग्रॉहिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंसाइक्लोपीडिया? तो कौन सा सबसे पॉपुलर इंसाइक्लोपीडिया है? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंसेस? मैक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, प्रोपेडिया या प्रीमीडिया? तो रेडी रेफरेंसेस के लिए किसको यूज किया जाता है? तो मैक्रोपेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसाइक्लोपीडिया इज नोन फॉर इट्स स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड प्रिंट एडिशन डेट कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट? साइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉपुलर कल्चर? तो कौन से किस टाइप के इंसाइक्लोपीडिया में स्कॉलर आर्टिकल्स मिलते हैं आपको? तो वो है इसका आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। किस टाइप के इंसाइक्लोपीडिया में स्कॉलर आर्टिकल्स मिलते हैं? तो वो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेल नोन ऑनलाइन कोलेबरेटिव इंसाइक्लोपीडिया अलाउज यूजर्स टू कंट्रीब्यूट एंड एडिट आर्टिकल्स? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ या विकिपीडिया? किस टाइप की इंसाइक्लोपीडिया जो है आपको ऑनलाइन देती है, परमिशन देती है कि आप अपने आर्टिकल्स को एडिट कर सकते हैं या तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? विकिपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इन ए लाइब्रेरी? प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, ऑफिशरिंग फिक्शनल स्टोरीज, गिविंग डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल, सप्लाइंग क्विक एंड जनरल इन्फॉर्मेशन? तो इसका आंसर क्या है? सप्लाइंग क्विक एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया फोकसेज ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और फील्ड, प्रोवाइडिंग इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन? जनरल इंसाइक्लोपीडिया, क्रोनोलॉजिकल इंसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया, मल्टीलिंगुअल इंसाइक्लोपीडिया? किस टाइप की इंसाइक्लोपीडिया आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, वे भी अच्छे तरीके से डिटेल वाइज? तो वो किस टाइप की इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसाइक्लोपीडिया। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज के वीडियो में। और हम लोग को क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि इंसाइक्लोपीडिया किस वर्ड से आया है, तो ग्रीक कौन सा सोर्स है, फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कौन है, मॉडर्न सेंस में किसने यूज़ किया, कितने टाइप्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया का क्या एग्जांपल होता है, उसके बाद जनरल इंसाइक्लोपीडिया का क्या एग्जाम्पल होता है, स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंसाइक्लोपीडिया के कितने एडिशन है, फर्स्ट एडिशन कब आया, फिर चारों एडिशन के एडिटर, प्लेस और पब्लिशर याद रखना है, एमसी ग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया के पब्लिशर कौन है और फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ, साइक्लोपीडिया अमेरिकाना का फर्स्ट एडिशन कब आया और किसने एडिट किया, फिर उसके बाद ऑनलाइन वर्जन कब आया, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कब, क्या कहते हैं, फर्स्ट पब्लिकेशन आया, कहाँ से आया, तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, उसके बाद इसका जो 9th और 11th एडिशन को क्या कहा जाता है, 15th एडिशन का कब आया, इसको किसने एडिट किया, पब्लिश किया, कितने वॉल्यूम में, कितने पार्ट्स से, फिर 15th का जो रिवाइज्ड एडिशन आया वो कितने पार्ट्स में था, कितने वॉल्यूम में, किसने पब्लिश किया, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया किसके अंतर्गत आता है, तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया कब आया, किसने एडिट किया और कहाँ से होता है, तो यूएसए से, लेटेस्ट एडिशन कब आया, तो 2019 में। उसके बाद क्वेश्चंस, इंसाइक्लोपीडिया को किसने मॉडर्न टर्म में यूज़ किया, फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कौन थे, किसने कहा था कि इंसाइक्लोपीडिया बैकबोन है रेफरेंस कलेक्शन का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को कौन पब्लिश करता है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से पब्लिश होती है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कब फर्स्ट बार पब्लिश हुआ, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से पब्लिश होता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस टाइप की इंसाइक्लोपीडिया है, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया किसका एग्जाम्पल है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस टाइप का सोर्स है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब आया, कब पब्लिश हुआ, किस एडिशन को स्कॉलर एडिशंस बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपनी प्रिंट पब्लिकेशन कब से सीज्ड कर दी, पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कौन है, फिर अभी करंट में कौन है, फाइनल प्रिंट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब रिलीज हुआ, सारे के ईयर्स आपको याद रखने हैं, फिर उसके बाद ये तो हो गया, फिर कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलर इंसाइक्लोपीडिया है वर्ल्ड में, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा पार्ट रेडी रेफरेंस में यूज होता है, इंसाइक्लोपीडिया किस इंसाइक्लोपीडिया में स्कॉलर आर्टिकल्स होते हैं, फिर किस ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया में आप अपने आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट और एडिट कर सकते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या होता है इंसाइक्लोपीडिया का लाइब्रेरी में, फिर इंसाइक्लोपीडिया जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपको इन्फॉर्मेशन देता है उस टाइप की इंसाइक्लोपीडिया को आप क्या बोलते हैं। तो UGC NET और EMRS के लिए कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग को कोर्स परचेस करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।